नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे पीसी 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद है हम जींद के कोर्ट के बाहर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो छत्तर खापड़ खरक गादिया गांव के जो बहिष्कार से पीड़ित लोग यहां पर धरने में बैठे हैं उन द्वारा जो है आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है और काफ़ी यहां पर आए हुए हैं जो अंबेडकर जी को मानने वाले हैं। एक प्रोग्राम यहां पर किया गया, उनसे हम बात भी करेंगे भी 2 अप्रैल को। वैसे तो 14 अप्रैल का जो है अंबेडकर जी का जन्म था, लेकिन आज 2 अप्रैल को ही जो है इन्होंने यहाँ पर जन्मदिन मनाया गया है। इसके रिलेटेड भी हम जो बात करेंगे अंदर आज जो है प्रोग्राम के अंदर अच्छा सॉन्ग भी जो है अंबेडकर जी का गाया है मुस्कान मेहरा, उससे हम बात करेंगे। बढ़िया, स्वागत है। नमस्कार सभी। तो आज के जो प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज 2 अप्रैल है और अंबेडकर जी का जो प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, उनकी जयंती मनाई गई है। हाँ जी है। और साथ में ज्योतिबा फुले जी की भी जो है तस्वीर रखी गई है, महात्मा बुद्ध की भी रखी गई, क्या कहना चाहोगे? और बाद में हम आपका गाना भी सुनेंगे, कुछ विचार जो आपके अच्छे लगे तो इससे ही हम जो है साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ और जितने भी जो है इस न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे, क्या आप कहना चाहोगे? ये कोई पार्टी का, ये कोई संगठन का प्रोग्राम नहीं था, ये एक सामाजिक प्रोग्राम था। भाई बाबा साहब को, हमारे ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध, गुरु रविदास जी, उनकी विचारधारा को आगे ले जाने का, समाज को उनकी विचारधारा बताने का ये प्रोग्राम था, तो इसलिए भाई ने इनवाइट किया। सिंगिंग अच्छी करती हो, मैं चाहता हूँ कि छोटी सी झलक है, आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से भी जो है उन लोगों को बताएं जो जो जी जो सॉन्ग आपने गाया था वो थोड़ा सा जो झलक है वो आप दिखाए सुनाए, ताकि और लड़कियों को भी जो है हौसला बढ़े अंबेडकर जी के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति। बन के झलकारे चाल पड़े मैं नहीं डरूंगी माँ, बन के झलकारे चाल पड़े मैं नहीं डरूंगी माँ, मैं बाबा साहब की लाडली कुछ खास करूंगी माँ, मैं बाबा साहब की लाडली कुछ खास करूंगी माँ। तो एक काफ़ी लंबा गाना था जो आपने गाया था और ये नया आपने बनाया खुद, अच्छा टैलेंट है लड़की के अंदर। कुछ और भी जो है कविताएं भी सुनी है आप जो है? हाँ जी, महिलाओं के लिए 4 लाइनें बोली थी मैंने, जो मैं हर स्टेज पर बोलती हूँ कि महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, कि महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता, अगर धरती पर पैदा कोई भी महान नहीं होता, मनुवाद की गुलामी से फिर घूंघट में रोती और सर उठाकर चलना इतना आसान नहीं होता, बहनों बाबा भीम ने हमारे हाथों और पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है, कि बहनों बाबा भीम ने हमारे हाथों और पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है, वरना उठाकर कलम चलाना इतना आसान नहीं होता। आज डीएम पीएम सीएम कोई महिला नहीं बन पाती, अगर इस देश का संविधान हमारे बाबा साहेब ने लिखा होता, अगर इस देश का संविधान हमारे बाबा साहेब ने लिखा होता। और गीत की 4 लाइनें थी कि गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा आपने कविता भी जो है इन्होंने सुनाई है और एक सॉन्ग भी छोटा सा सुनाया था, बहुत ज़बरदस्त जो है बाबा साहब को बढ़िया तरीके से जो मानती है, उनको फॉलो करती है, सिंगिंग भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, काफ़ी प्रोग्रामों में जो है हमने चूँकि सॉन्ग सुने थे, तो इसलिए जो है मैं आप सभी को जो है इनके विचार, इनकी कविता, इनके सॉन्ग जो है सुनाने की मैं बिल्कुल वेट में था, लेकिन आज जो जींद के अंदर आई लड़की तो मौका हमें भी मिला है इनके विचारों को आप तक पहुँचाने का। तो बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ PC 24 न्यूज़ पर। जय हिंद। विजय डिलोड हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम को लेके। भाई आज का जो प्रोग्राम किया गया था 2 अप्रैल को ही जो है अंबेडकर जी की जयंती बनाई है, तो क्या पर्पज था इस प्रोग्राम को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को जय भीम और जय मूल निवासी कहना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है 2 अप्रैल को 2 अप्रैल 2018 को
SC ST एक्ट पर आँच आई थी और हमारे सभी समाज के जागरूक साथियों ने घर से बाहर निकलकर और इस एक्ट को बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी। उसमें शहीद हुए हमारे 15 साथी, उनको शहादत देने के लिए ये प्रोग्राम किया गया था। और आपको पता ही है, जैसे बहुत दिनों से खापड़ और छापड़ के लोगों का धरना चल रहा है जिसमें उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ है, उसके माध्यम से ही हमने एक कॉल की थी भाई दिनेश खापड़ जी ने, ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके कि जो लोग यहाँ इतने दिन से बैठे हैं उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये कॉल की गई थी। इसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया गया था जी। तो चांदीराम बोध जी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम को लेके। सर स्वागत है। स्वागत है आपका भी और आपके चैनल का भी। जो प्रोग्राम किया गया है और जैसे भाई ने बताया था 2 अप्रैल को जो 15 युवाओं की जो है शहादत हुई थी उस पर किया गया था, क्या आप कहना चाहोगे? आज अंबेडकर जी की जयंती भी जो है आज प्रोग्राम में बनाई गई है। देखिए, जो अप्रैल का महीना है वो पूरा बाबा साहब की जयंती को न केवल जींद बल्कि पूरे विश्व में मनाता है, जहाँ जहाँ बाबा साहब के फॉलोअर हैं। अप्रैल शुरू से ही लेके और 14 अप्रैल तक जयंती चलती रहती है। जयंती मनाने का मकसद ये रहता है कि बाबा साहब ने जो विचार दिया, पूरी दुनिया को समानता का अधिकार दिया, उस अधिकार को जिंदा रखने के लिए ये जयंती मनाई जाती है। क्योंकि बाबा साहब ने काम ही ऐसे किए हैं, हर मानव को जोड़ने का काम किया है। और 2 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 2 अप्रैल का जो संबंध है, एक बहुत बड़े तबके के लोगों के अधिकारों के ऊपर आँच आई थी और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी, बदलाव करने की कोशिश की गई थी, उसी को लेकर लोगों में जन आक्रोश आया था कि हमें जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। और पूरा समाज सड़कों पर आ गया था और फिर लोगों की बातें सुनी गई और उस अधिकार को सुरक्षित किया गया। लेकिन उसके दौरान 15 युवा अपनी जान को जोखिम में डालकर इस देश के लिए शहादत की, समाज के लिए शहादत की, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम 2 अप्रैल का दिन सुनिश्चित किया गया था। तो लोगों का कहना भी, जो अंबेडकर जी थे वो SC समाज के, SC कम्युनिटी के ही नेता थे। देखिए, अगर आप संविधान को पढ़ते हो, संविधान के अंदर आपको कहीं भी ऐसा एक शब्द भी नहीं मिलेगा कि बाबा साहब ने कोई जाति विशेष के लिए कार्य किया हो। अगर आप संविधान की बात करते हैं, संविधान का पहला पेज खोलते ही शब्द आता है वी द पीपल, हम भारत के लोग। जहाँ हम भारत के लोग आ गए तो वहाँ कोई जाति धर्म का मतलब ही नहीं होता। बाबा साहब ने जो भी संविधान लिखा, उस संविधान के अंदर हर व्यक्ति को एक समान अधिकार दिए हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए विशेष कार्य किया, जिन लोगों को समाज के अंदर बहुत नीचे पायदान रखा गया था, उन लोगों को उनका पायदान बराबर करने के लिए कुछ विशेष अधिकार जरूर दिए गए हैं, लेकिन किसी जाति विशेष के लिए नहीं दिए गए। जी, थैंक यू।